साथ बात करने के लिए मौजूद है अलका लांबा। अलका मैम, भारत जोड़ो अभियान की स्टार्टिंग जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, लेकिन देश की अगर हम बात करें तो सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। एक तरफ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वहीं ज्ञानवापी भी आ रहा है, तो ये देश की सिचुएशन को आप कैसे देख? नहीं, कौन करवा रहा है ये और कौन होने दे रहा है? सत्ता में कौन है, किसको ये एजेंडा सूट करता है? देश के प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर जाते हैं, तिरंगा नहीं लहराते। तिरंगे की तस्वीरें, तिरंगा हमारा मान और सम्मान है, उसकी तस्वीरें नहीं, एक भगवा झंडा, उसकी तस्वीरें शेयर करते हैं। आप समझ रहे हैं, विदेश धरती का प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं, बुलडोजर पर चलाकर उनसे तस्वीरें खिंचवाकर उनको शेयर किया जाता है। प्रधानमंत्री जी लाउडस्पीकर की राजनीति में सबको झोंक देना चाहते हैं। आज सबको पता है मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया है, जवाब नहीं है। इसलिए पूरी देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक कर, तमाशबीन बनकर आप देखेंगे कांग्रेस स्वीकार नहीं है। आप कांग्रेस, आप जोर लगा दीजिए कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए चुनौती दे रहे हैं, आप जोर लगा दीजिए इस देश को नफरत और तोड़ने की। उतनी ही ताकत से कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस भारत को जोड़ने का काम करेगी। आज राजीव गांधी क्रांति दिवस के तौर पर ये खून सड़कों पे बहा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके दंगे कराए। दिल्ली में 2020 में दंगे हुए, 50 लोग दोनों तरफ के मारे गए, इनकी वो राजनीति है। युवा कांग्रेस क्या कर रहा है? गर्व है मुझे भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस पे कि आज रक्तदान, रक्तदान भारत रत्न श्री राजीव गांधी के नाम, हमने खून दिया है जिंदगियां बचाने के लिए और वो खून ले रहे हैं जिंदगियां, ये होने नहीं देंगे। 135 साल पार्टी ने पूरे किए हैं, 75 साल हुए देश को आजाद हुए, बाकी 75 साल कांग्रेस क्या कर रही थी? अंग्रेजों से इस देश को, भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए लड़ी थी, और आज भी हम खड़े हैं और संघ से मुक्त करवाएंगे इस भारत। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, विदेश यात्रा की बात हो रही है मैम, तो चीन में जिस तरीके से घुसपैठ की बात करें या फिर पेंगोंग झील की बात करें, तो वहां पर भी चीन ने एक सेकंड जो ब्रिज है वो बना लिया है, और वहीं राहुल गांधी भी जब विदेश यात्रा पे है तो बीजेपी निशाना साध रही है कि जब भी जाते हैं तो चीन की बात। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, भाजपा के पास इस बात का क्या जवाब है, सच्चाई क्या है, देश को बताएं कि क्या राहुल गांधी जी के जो सवाल है उन्होंने कहां से सवाल किया, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने सवाल क्या किया है, उनके सवाल में सच्चाई है या नहीं, उसका जवाब भारतवासियों को मिलना चाहिए या नहीं, हाँ या ना। क्या सच है कि चीन ने भारत में घुस के कब्जा कर लिया है, हाँ या ना? आप तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है, आप तो भारत में चीन का नाम लेने से डर रहे हैं। ये हमारा नेता है जो देश के में हो या विदेश में हो चीन को चुनौती दे रहा है, यूएन के मंच हो, विदेश जितने प्लेटफॉर्म होंगे हम उसका इस्तेमाल करेंगे, अपने चीन को आईना दिखाएंगे, उन्हें पीछे खदेड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं, विदेश तो छोड़िए देश में हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री जी की। तो बात यह है कि राहुल गांधी जी ने कहां से सवाल किया मायने नहीं है, क्या सवाल किया, उसकी सच्चाई क्या, उसका जवाब आपके पास है या नहीं है, देश धोखे में नहीं रख सकते हम लोग सच्चाई। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा हमसे यहाँ पर बातचीत के लिए जुड़ी हुई थी। कैमरा पर्सन बिहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।